हेलो दोस्तों, मैं दिलीप शर्मा एक बार फिर आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, तो वो चीज़ें मैं थोड़ी आपको याद दिलाऊंगा। तो ये एक जो अपना स्क्वायर था, इसके आसपास हमने इसकी रंगत लगाई है और पहला रद्दा लगा दिया है 9 फीट बाय 9 फीट। ये बाहर से बाहर है दोस्तों, और उसी हिसाब से हम इसका पूरा शिखर बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर एक गोल डोम का निर्माण करना है। वो डोम इसलिए बनाया जाता है दोस्तों, ताकि पूरा शिखर अंदर से पोला ना रहे। और जो वास्तु का नियम है कि थोड़ा शिखर पोला होना चाहिए, तो डोम के द्वारा अपन थोड़ी 3-3.5 फीट इसकी गहराई कर देते हैं, और इससे वास्तु देव का नियम भी लागू रहता है और अपना शिखर पूरा अंदर से पोला ना रहते हुए थोड़ा पोला होता है, ताकि दोनों चीज़ें हो जाए दोस्तों। पूरे पोले शिखर में अंदर से प्लास्टर करने में भी दिक्कत आती है, आगे कलर में दिक्कत आएगी और बहुत तरह की कठिनाइयां आती है अंदर चढ़ने में। और यदि इसको पैक ना किया जाए तो चिड़ियां पक्षी घोंसले बनाते हैं, और उस घोंसले के द्वारा गंदगी भगवान के ऊपर भी गिराते हैं। इसलिए दोस्तों ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो ये आपने देखा पिछले वीडियो में, हमने 16-16 इंची के लिए थे। बीच वाली कली का भी नाप बताया था आपको, 26 इंची चौड़ाई रही थी। और इस प्रकार से ये डोम हमने पूरा निर्माण हो चुका है। तो ये डोम बंद करने तक का और इसकी रंगत का आपको पिछला वीडियो बताया था। अब इससे आगे दोस्तों हमने ये पट्टा निकाला है। ये नीचे और ऊपर वाली ईंटें 1.5-1.5 इंची निकली हुई है, और बीच वाली जो ईंट है वो हमने 2.5 इंची निकाली है। और इसके बाद फिर ऊपर 16 इंची जुड़ाई की है। ये देखिए दोस्तों, ऊपर 16 इंची जुड़ाई की है, और फिर वापस ऐसे ही 3 पट्टे निकाले ईंट के गलता बनाने के लिए। तो इसके बाद फिर हम इसके ऊपर शिखर का निर्माण कार्य चालू करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जाल बनाएंगे दोस्तों। तो ये हमारा आप ऊपर से पूरा व्यू देखिए, ये टॉप हमने बंद कर दिया है और अब जाल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। जाल कैसे बनाई ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। इस विषय पे मैंने और भी वीडियो बना रखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं जाल का निर्माण कैसे किया है। और इसको अच्छी तरह से पूरी बुनिया में बनाने के बाद इसकी वेल्डिंग होती है दोस्तों। और जब वेल्डिंग का वर्क पूरा हो जाता है, तब इस जाल को हम वहाँ ऊपर साहूल करके रखेंगे। तो ये 20 इंची दोस्तों इसकी हमने जो एक बॉक्स है जाल का, उसकी ऊँचाई रखी है और 10 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। उस हिसाब से हमने ये जाल कंप्लीट की है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी पूरी जाल बन गई है। चारों फड़ अलग अलग हमने बना लिए, चारों फड़ वहाँ पर रख कर हम इसे आपस में बांध देंगे। और ये हमारा बेल्डिंग का काम भी चालू हो गया। तो जाल कैसे रखते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सारा मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उस पर जाके इसको पूरी तरह देख लीजिएगा। तो ये जाल हमने खड़ी कर दी है। खड़ी करने के बाद इसके ऊपर एक सेट जो 20 इंची हमने चौड़ाई रखी थी, उसके बीच में मध्य में एक सरिया बांधेंगे दोस्तों। और इस सरिया को बांधने में विशेष ध्यान रखेंगे कि कोने पर जॉइंट ना आना चाहिए सरिये का। ये रिंग के नुमा चारों तरफ लपेट के बंधेगा, और ईंट के द्वारा भी इसको नाप सकते हैं और सेंटर में भी बांध सकते हैं। तो हमने ईंट के द्वारा नाप के इसको बिल्कुल, ताकि ईंट ना तो कटे और ना ही ढीली पड़े, इसलिए वहाँ पर ईंट रखकर उस हिसाब से इन सरियों को आपस में हमने बांध दिए दोस्तों। 4 रद्दे के सरिये हमने बांधे हैं, इस पर 4 रद्दे लगाएंगे। और फिर हमने इसकी साहूल की दोस्तों। तो साहूल कैसे की, ये तो हमारे जो रेगुलर जो व्यूवर्स है उन लोगों को पता ही है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाके इस शिखर की साहूल कैसे की जाती है वो आप देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, क्योंकि इसी वीडियो में सारी जानकारी बताने जाऊँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमने तार के द्वारा इसकी साहूल करके इसको व्यवस्थित कर दिया है, और मजबूती से इसके तार बांध दिए हैं ताकि साहूल इसकी बिगड़े ना। और हमने डायरेक्ट 2 सरिये ऊपर साहूल किए, जो 10 mm का हमारा वेल्डिंग वाला सरिया है यहाँ पर, और इस पर फिर उसके अंदर हमने RBC जोड़ दी। तो RBC जोड़ने का भी मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। और हमारा शिखर धीरे धीरे करके हमने पूरा जोड़ दिया, साथ में कली का निर्माण भी किया है। और ये जो शिखर है दोस्तों, शिखर के पीछे की साइड पे हम क्या करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपको, ये हमारा पूरा पीछे, ये जो आपको लोहे के हुक नज़र आ रहे हैं दोस्तों,
ये स्टेयर्स है चढ़ने के लिए, हमने इसमें रखी है ताकि शिखर के ऊपर आसानी से हम चढ़ सकें, ये देखिए। और साथ में झरोके की विलसी भी खड़ी कर दी, ये एक स्टेयर्स है। इसी प्रकार ये दूसरा है, ऐसे ही सारे स्टेयर्स ऊपर तक हमने लगाए हैं और ये पीछे की साइड लगाए हैं। और ये ज़रूरी होते हैं दोस्तों, ताकि अपने को शिखर पर कभी ध्वजा बदलनी है या कलश की साफ़ सफाई करनी है तो चढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। और सीढ़ी भी रख सकते हैं क्योंकि 21 ही फीट का शिखर है, मगर सीढ़ी जब बाउंस करती है तो डर लगता है, मिस्त्री तो चढ़ जाते हैं, बाद में मूल निवासी जो होते हैं उनको चढ़ने में बहुत समस्या आती है। तो ये हमारा शिखर पूरा जुड़ गया, अब इसका हम टॉप बंद करेंगे। और टॉप बंद करने के लिए दोस्तों हमने पहले ये एक रफ जाल बांधी है और इसके ऊपर ईंट से ही सेंटरिंग कर दिया है। तो सारी ईंटें हम जमा के सेंटरिंग का रूप दे देंगे और फिर जो टॉप का सरिया है उस पर हमारी मेन वायर बांध के वहाँ पर इसका छत भरा जाएगा। तो आप चाहें तो पट्टिये के द्वारा, लकड़ी के फट्टों के द्वारा या प्लेट के द्वारा लोहे की इसका टॉप बंद कर सकते हैं, मगर बाद में वो निकलते नहीं हैं, वो अंदर ही रह जाते हैं क्योंकि नीचे से डोम जुड़ा है। तो उसका सही तरीका ये है कि आप ईंट से ही सेंटरिंग कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर इसके ऊपर आप देखिए, हमने इसके ऊपर पूरा हमारा जाल बांध दिया, ये सेंटर में हमने कलश का सरिया साहूल में खड़ा कर दिया। और इसको बहुत सावधानी से और बहुत ध्यानपूर्वक खड़ा करना है क्योंकि सारा साहूल इसी से होगा, पूरा कलश इसी के द्वारा बनेगा। अगर ये गलत हो गया तो आप कलश सीधा नहीं बना पाओगे दोस्तों, कलश का माप इसी से चलता है। और ये पीछे हमने एक पाइप छोड़ा है ये वेपर लैंप के लिए। अब हम इसके ऊपर कंक्रीट करेंगे दोस्तों, और कंक्रीट की मोटाई लगभग 6 इंच ज़रूर रखना चाहिए, कभी 7 या 8 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कंक्रीट मोटा रहेगा, मजबूत रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका विशेष ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।